आज मैं एक्सप्लेन करूंगा टेरर विजन नाम की एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी को। फिल्म की शुरुआत एक प्लूटोन नाम के प्लेनेट को दिखाते हुए होती है। हमें यहाँ एक एलियन दिखाया जाता है जिसका नाम प्लूथर होता है। प्लूथर यहाँ प्लेनेट पर मौजूद म्यूटेंट क्रिएचर्स को डिस्पोज करा करता था। वो आज भी एक क्रिएचर को डिस्पोज करता है, लेकिन तभी उसके प्लेनेट से एक एनर्जी बीम निकलती है। यहाँ अर्थ पर एक बटरमैन फैमिली होती है जिन्होंने नया सैटेलाइट डिश खरीदा होता है, लेकिन ये डिश सिग्नल कैच नहीं कर पाता। तभी वो एनर्जी बीम सैटेलाइट डिश पर गिरती है। अब इसके बाद सैटेलाइट डिश सिग्नल कैच कर लेती है। अब यहाँ पूरी फैमिली टीवी पर अलग अलग चैनल्स को देखती है। तभी ये सभी लोग रिमोट को छीनने लगते हैं अपने मनपसंद चैनल को लगाने के लिए। तभी टीवी में से कुछ रेज निकलती हैं। ये सब लोग डर जाते हैं, लेकिन बाद में टीवी फिर नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ ओडी आता है, सूजी का दोस्त। सूजी ओडी को अपने पेरेंट्स से मिलाती है। अब इसके बाद रकेल और स्टैनली अपने नेबर से मिलने जाते हैं। यहाँ स्टैनली नॉर्टन डिस रिपेयर वाले को कॉल कर दी होती है ताकि वो डिस को आकर एक बार चेक कर ले। अब ये दोनों अपने नेबर से मिलने चले जाते हैं। यहाँ ओडी और सूजी भी एक म्यूजिक पार्टी में चले जाते हैं। यहाँ अब शेयरमैन और ग्रैंपा अब घर पर अकेले होते हैं, ये टीवी देखते हैं। यहाँ टीवी पर वही क्रिएचर दिखता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब ये दोनों इसे कोई नई मूवी मानकर देखने लगते हैं। ये टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तभी टीवी में से कुछ बीम्स निकलती हैं और एक तेज रोशनी निकलती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर टीवी से बाहर आ जाता है। अब शेयरमैन की और ग्रैंपा की आंखें खुलती हैं तो ये दोनों देखते हैं मॉन्स्टर को, और मॉन्स्टर को देखने के बाद ये सोफे के पीछे छुप जाते हैं। अब ये दोबारा देखते हैं तो मॉन्स्टर वहाँ नहीं होता। अब ग्रैंपा और शेयरमैन ग्रैंपा के रूम में जाते हैं। यहाँ ग्रैंपा आर्मी के फैन थे, उनके पास कुछ गन्स और गोला बारूद होते हैं। अब ये दोनों गन्स लेकर मॉन्स्टर की तलाश करते हैं। तभी टेरेस पे से कुछ आवाज़ आती है। ये टेरेस पर जाते हैं और नॉर्टन पर गन तान देते हैं जो डिसरिपेयर करने आया था। अब नॉर्टन को देख वो गन हटा लेते हैं और अब ग्रैंपा और शेयरमैन वापस मॉन्स्टर की तलाश करने लगते हैं। यहाँ नॉर्टन डिस ठीक कर रहा होता है तभी तेज रोशनी निकलती है। इसके बाद ग्रैंपा देखते हैं कि नॉर्टन कहीं गायब हो जाता है। अब ग्रैंपा टीवी पर फिर उस मॉन्स्टर को देखते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। वो अब जा रहे होते हैं तभी एक तेज रोशनी निकलती है और मॉन्स्टर टीवी के बाहर आ जाता है। वो मॉन्स्टर ग्रैंपा को पकड़ लेता है और उन्हें जान से मार देता है। शेयरमैन ग्रैंपा को देखने आता है तो वो देखता है मॉन्स्टर ग्रैंपा को खाकर वापस टीवी के अंदर चला गया। अब शेयरमैन ग्रैंपा के रूम में जाता है और पुलिस को कॉल लगाता है। यहाँ वो पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन ऑफिसर नट्सकी उसे कहते हैं कि बच्चे प्रैंक कॉल के जुर्म में तुम्हें सजा हो सकती है, और वो फ़ोन काट देते हैं। अब यहाँ स्टैनली अपने नेबर्स को अपने घर लेकर आता है। शेयरमैन अपनी मॉम को सब बताता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती। शेयरमैन कहता है कि टीवी का मॉन्स्टर ग्रैंपा को खा गया। अब शेयरमैन की मॉम ग्रैंपा के रूम में जाती हैं तो वहाँ मॉन्स्टर होता है जो ग्रैंपा के हेड से उनकी आवाज़ निकालता है और अंदर आने से मना करता है। अब शेयरमैन की मॉम गेट खोल के देखती हैं तो वहाँ मॉन्स्टर ने ग्रैंपा का रूप ले रखा होता है। अब शेयरमैन की मॉम उसे झूठा मानती हैं और उसे ग्रैंपा के रूम में बंद कर देती हैं। यहाँ अब शेयरमैन देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब शेयरमैन टीवी देखने लगता है। यहाँ प्लूथर टीवी पर होता है, वो अर्थ के लोगों को वार्निंग देता है कि गलती से उससे एक एनर्जी बीम अर्थ की ओर छूट गई है। अर्थ पर जो भी लोग हैं वो अपने टीवी का रिसीवर ऑफ कर दें अगले 200 सालों तक, क्योंकि उस बीम में एक मॉन्स्टर है। अब यहाँ प्लूथर को थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि मॉन्स्टर पहले ही अर्थ पर आ जाता है। अब आगे स्टैनली के नेबर्स स्विमिंग पूल में होते हैं। यहाँ चेरी अपने हस्बैंड को खा जाती है क्योंकि वो चेरी नहीं बल्कि वो मॉन्स्टर होता है चेरी के रूप में। अब स्टैनली और रकेल अपने नेबर्स को देखने जाते हैं, तभी उन्हें वहाँ वो मॉन्स्टर दिखता है और वो मॉन्स्टर इन दोनों को भी मार देता है। अब शेयरमैन को अपने मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। शेयरमैन फिर पुलिस वाले को कॉल लगाता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर
फिर उसका विश्वास नहीं करता और कॉल काट देता है। अब आगे चेयरमैन प्लास्टिक एक्सप्लोजिव से गेट खोलता है। अब यहाँ इतने में ही सूजी और ओडी पार्टी से वापस आ जाते हैं। यहाँ चेयरमैन सूजी को भी मॉन्स्टर के बारे में बताता है, लेकिन वो भी उस पर भरोसा नहीं करती। अब यह चेयरमैन को लेकर अपने पेरेंट्स के रूम में जाती है। यहाँ मॉन्स्टर ने उसके पेरेंट्स और उसके नेबर्स का रूप ले रखा होता है। अब सूजी उन्हें जिंदा देखती है, जिसके बाद वो पूछती है ग्रैंपा कहाँ हैं। तो मॉन्स्टर ग्रैंपा का रूप भी ले लेता है। अब चेयरमैन को भी समझ नहीं आता कि उसके पेरेंट्स जिंदा कैसे हैं। अब सूजी चेयरमैन को समझाती है कि कोई मॉन्स्टर नहीं है। तभी टीवी के अंदर से मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। अब ये मॉन्स्टर ओडी को खाने बढ़ता है। सूजी और चेयरमैन भागते हैं। मॉन्स्टर ओडी को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर ओडी के हाथ के ग्लव्स को देख रुक जाता है। असल में जिस तरह से अर्थ पर डॉग और कैट हमारे पेट होते हैं, उसी प्रकार से मॉन्स्टर प्लूटोन प्लेनेट पर किसी का पेट था, और इस मॉन्स्टर का मालिक सेम वैसे ही ग्लव पहना करता था जैसे ओडी के हाथ में है। अब मॉन्स्टर ओडी को अपना मालिक मानता है और इन तीनों को कुछ नहीं करता। अब ये तीनों को भी ये मॉन्स्टर पसंद आ जाता है। ये तीनों इस मॉन्स्टर को बोलना सिखाते हैं और मॉन्स्टर से अपना नाम बुलवाते हैं। अब ये मॉन्स्टर को टीवी दिखाते हैं। टीवी पर एक मेडुसा कॉल शो आ रहा था। अब यहाँ चेयरमैन मेडुसा को कॉल करता है मॉन्स्टर के बारे में बताने के लिए, क्योंकि पुलिस चेयरमैन पर भरोसा नहीं कर रही थी। अब यहाँ मेडुसा भी चेयरमैन का विश्वास नहीं करती। तो सूजी मेडुसा से बात करती है और उसे एक पार्टी के बहाने अपने घर बुलाती है। अब गेट पर कोई आया होता है। सूजी चेक करने जाती है तो गेट पर ऑफिसर नट्सकी होते हैं, जो नॉर्मैन का अरेस्ट वारंट लाए थे प्रैंक कॉल करने के लिए। वहीं दूसरी ओर टीवी पर प्लूथर को दिखाया जाता है। प्लूथर को देख मॉन्स्टर पागल हो जाता है और वो ओडी को खा जाता है। अब चेयरमैन चिल्लाता है और भागता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर अब देखने बढ़ते हैं कि रूम में क्या है। तभी उनके पीछे मॉन्स्टर आ जाता है और उन्हें भी मार देता है। चेयरमैन और सूजी ग्रैंपा के रूम में छुपते हैं। अब ये मॉन्स्टर को मारने का प्लान बनाते हैं और गन लेकर बाहर जाते हैं। ये मॉन्स्टर को स्विमिंग पूल में देखते हैं। चेयरमैन चुपचाप उसके पास जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर चेयरमैन को पकड़ लेता है। चेयरमैन उस मॉन्स्टर का टेंटिकल काट वहां से बचकर भागता है। तभी टीवी में से फिर से रोशनी निकलती है और यहाँ लूथर आता है मॉन्स्टर को मारने। अब इतने में यहाँ मेडुसा आ जाती है इनके घर पर पार्टी के लिए। वो देखती है कि एक एलियन सूजी और चेयरमैन से बात कर रहा होता है। मेडुसा प्लूथर को ही मॉन्स्टर मानती है और उसके सर पर मारती है, जिस वजह से प्लूथर का स्पेस सूट डैमेज हो जाता है और प्लूथर मर जाता है। अब मॉन्स्टर दीवार तोड़कर यहाँ आता है। चेयरमैन प्लूथर की गन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब यह मॉन्स्टर इन लोगों को अपनी ओर खींचता है और खा जाता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है मॉन्स्टर मेडुसा का रूप लेकर एक टैक्सी में बैठता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो यहां तक देखी है, वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।